Praise the Lord. Namaskar. Today I'll show you the testimony of a sister and you'll know how God worked in her life and how she got healing from every sickness and trouble. आज मैं आप लोगों को एक बहन की गवाही दिखाऊंगी और आप जानेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे काम किया और उन्हें हर बीमारी परेशानी से कैसे चंगाई मिली। But before that, I wanna tell you that when a person gets healed, he has to tell that he has got healing and this is called testimony. तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति को चंगाई मिलती है तो उसे बताना होता है कि वो चंगा हो चुका है, इसी को गवाही कहते हैं। Therefore, if you get healing and you don't testify, then your healing is in vain. So it's so important to give testimony. तो इसलिए अगर आपको चंगाई मिलती है और आप गवाही नहीं देते हैं तो आपका चंगाई बेकार होता है, इसलिए गवाही देना बहुत जरूरी होता है। And now I tell you, my family members, we all prayed for sister and she had a lot of problems with her. But when she believed, God set her free from all the troubles. अब मैं आपको बताती हूँ कि हम सभी मिलकर, हमारा पूरा परिवार, उनके लिए प्रार्थना किए ऑडियो और वीडियो कॉल के द्वारा और उनके साथ बहुत सारी परेशानियाँ थी, लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया तो परमेश्वर ने उन्हें हर परेशानी से आजाद किया। Now I wanna tell you some important things which you should keep in mind. When a person gets cured by taking medicine and if they testify, then that is not called testimony. But when a person gets healing without taking medicine and if they testify, then that will be called a testimony. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिसको कि आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर कोई व्यक्ति चंगाई पाता है, वो ठीक होता है दवाई खाकर, तो अगर वो गवाही देता है तो उसे गवाही नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान चंगाई पाता है, वो भी बिना दवाई खाए उसे चंगाई मिलती है और वो गवाही देता है, तो उसे गवाही कहेंगे, वो गवाही कहलाएगा। एंड ऑल्सो डोंट गिव फॉल्स टेस्टिमनी टू एनीवन, बिकॉज द वन हु गिव्स फॉल्स टेस्टिमनी गॉड पनिशेस देम, सो डोंट डू दैट। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी झूठी गवाही ना दे, क्योंकि जो झूठी गवाही देते हैं परमेश्वर उन्हें सजा देते हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें। एंड आई हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेल यू दैट द टेस्टिमनी मस्ट बी गिवन विद द ऑफरिंग। और मेरे पास आपको बताने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है कि गवाही के साथ भेंट चढ़ाया जाता है। एंड इफ यू डोंट बिलीव इट देन रीड दिस वर्स, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ये वचन पढ़िए। मैथ्यू 8 वर्स 3-4, मत्ती 8वां अध्याय का 3-4। जीसस रीच्ड आउट हिज हैंड एंड टच्ड द मैन, आई एम विलिंग ही सेड बी क्लीन, इमीडिएटली ही वाज क्लींस्ड ऑफ हिज लेप्रसी। देन जीसस सेड टू हिम, See that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। Let's see the testimony of Archana sister. अब हम अर्चना बहन की गवाही को देखते हैं। सभी को जय मसीह। मेरा नाम अर्चना है, मैं गाजीपुर से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे गले में खुजली होती थी, बॉडी में फीवर हमेशा बना रहता था, बॉडी पूरा पेन करता था और प्राइवेट पार्ट से वाइट पानी आता था। ढेर सारी प्रॉब्लम थी मेरे जीवन में और बहुत बुरे बुरे हमें सपने आते थे। रात में ऐसा लगता था मेरा पैर कोई खींच रहा है, तो मैं ऐसे मतलब मैं वीडियो देखती थी, इंस्टा पे मैं वीडियो देखी सुसाना इक्का का, उनका वीडियो मैं फॉलो करती थी, लाइक भी करती थी उनका वीडियो मैं देखी। फिर उनका रिक्वेस्ट आया, फिर उनसे हमारी मुलाकातें हुई, फिर मैं लगातार मैं उनका वीडियो देखती रही। फिर यूट्यूब के थ्रू मैंने उनसे उनका वीडियो देखा, लगातार मैंने उनसे प्रेयर लिया प्रोफेट जी से, और मेरे जीवन में बहुत अद्भुत गवाही हुई, मुझे चंगाइयाँ मिली और मैं एकदम इस समय एकदम आज़ाद हूँ सारी प्रॉब्लम से, मुझे छुटकारा मिल गया है। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को देती हूँ और उनके दास को देती हूँ। आमीन, हालेलुया। सो एज यू वॉच द वीडियो, यू ऑल नो दैट पीपल गो टू मेडिसिन टू रिमूव ऑल दीज प्रॉब्लम्स,
But Archana's sister went to Jehovah God with faith and now she is free from all the troubles. जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, लोग दवाई के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं ताकि वो ये सारी परेशानियों से दूर हट सके, आजाद हो सके। लेकिन अर्चना सिस्टर यहोवा परमेश्वर के पास विश्वास के साथ गई और अब वो हर परेशानियों से आजाद है। एंड थैंक यू सो मच दैट यू लिसन टू दिस वंडरफुल टेस्टिमनी। और आपका धन्यवाद कि आपने ये अद्भुत गवाही को सुना। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।